हेलो एवरीवन आज मैं बताने वाली हूँ तुलसी मानस मंदिर के बारे में इसका नाम तुलसी मानस मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा था और इसमें अभी अंदर आप लोग देखेंगे कि पूरे दीवालों पे पूरा एक एक दीवार पे रामचरित्र मानस बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बहुत ज्यादा सुंदर लगता है हर एक दीवार पे लिखा हुआ रहता है अभी थोड़ा कम मतलब नौ बज चुका था नौ बजे के बाद ये बंद हो जाता है जैसे ही नौ बजेगा भगवान जी का कपाट भी बंद हो जाएगा वहाँ पे पर्दा लगा देंगे और पंडित जी बाहर जाने के लिए बोलने लगते हैं इसलिए अगर कभी आप लोग प्लान करते हैं तो दिन में भी जाइए रात में भी जाइए लेकिन दिन में अच्छा से घूम लेंगे रात को बस जितने भी लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखिए दिन में ये रहता है कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं ऊपर भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं लेकिन मैं शाम हो गया था इसलिए हम लोग नहीं जा पाए इसलिए मैं उस चीज़ का वीडियो नहीं बना पाई लेकिन आप लोग देख सकते हैं दिन में के मुकाबले रात में बहुत चीज़ें और ज़्यादा सुंदर लगती है दिन में बहुत लाइटिंग आते रहता है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है रात में अभी बंद कर दिए थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा जितना बनारस भीड़ है यहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा शांति था ये अगर रात में जाएंगे तो जस्ट बाजू में दुर्गा कुंड भी पड़ता है वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं अगर दुर्गा कुंड आते हैं तो आप लोग पैदल ही यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे जूता चप्पल रखने के लिए भी बाहर में बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं और जाइएगा ज़रूर और थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें सब्सक्राइब भी करें देख के यूँ ही मत चले जाएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू